दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस ट्रेंड को एडिट करने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का वीडियो बनाना तो कैसे बनाएंगे, चलिए जान लेते हैं। इस वीडियो को आप किसी भी एडिटर की मदद से बना सकते हैं जो भी आप यूज़ करते हैं, बट मैं आपको सिखाऊंगी वीएन ऐप में। अगर आप चाहते हैं कि वीएन से ही आपको भी बनाना है तो ईजिली आपको प्ले स्टोर पर यह एप्लीकेशन मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सबसे पहले वीएन को इंस्टॉल कर लें, देन मैं इसको ओपन कर लेती हूँ बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो को बनाने के लिए आपको कितने फ़ोटोज़ की ज़रूरत है। तो सिंपली आपको दो फ़ोटो लेने हैं, जैसे कि आपने वीडियो में भी नोटिस करा होगा। एंड फ़ोटो लेने के लिए आपको यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड अपनी फ़ोन लाइब्रेरी से दो फ़ोटोज़ ले लेने हैं। तो चलिए दो पिक्स मैं भी ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं दो फ़ोटोज़ ले चुकी हूँ। इस तरह से आप फ़ोटो ले लें। सबसे पहले रेशियो देखें अपने फ़ोटोज़ की, अगर सही नहीं है तो यहाँ से ओरिजिनल के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे अपने फोटो के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका फोटो सही से दिखे। अगर 4.5 में आपका फोटो सही दिखता है तो 4.5 की रेशियो लें, या फिर 9.16 टिकटॉक वाली रेशियो लें। तो यहाँ पर मेरा जो रेशियो है वो परफेक्ट है, तो मैं चेंज नहीं करने वाली हूँ। अब यहाँ पर हमें म्यूजिक ऐड करना है। म्यूजिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ से टेलीग्राम पर जाकर म्यूजिक को डाउनलोड कर लेना है। ओके, आपके पास ऑडियो आ जाती है। यहाँ पर ऑडियो लेने के लिए आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है, म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है, देन आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ जाएंगे फाइल मैनेजर पर। फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको थ्री स्ट्रिप्स के ऊपर जाना है। आपको ऑप्शन मिलेगा ऑडियो फाइल्स का, ऑडियो फाइल के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से जो आपने डाउनलोड किया है इसको सेलेक्ट कर लें। ओके, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओके का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप ओके कर लें। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। आपका जो म्यूज़िक है यहाँ पर ऐड हो जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरी ऐड थी, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ से चूज के ऑप्शन पे क्लिक कर लेती हूँ। यहाँ पे चूज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ आपको टिक का ऑप्शन मिलता है, टिक के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपका जो म्यूज़िक है यहाँ पर ऐड हो जाता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, म्यूज़िक के अकॉर्डिंग अपने फ़ोटोज़ को ट्रिम करेंगे। ये मैं दोनों फ़ोटोज़ को ट्रिम कर लेती हूँ, उसके बाद दोनों की ड्यूरेशंस बताती हूँ कि आपको कितनी रखनी है। ओके, ओके, तो अब हमारी ड्यूरेशन सेट हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ, आपका जो फर्स्ट फोटो है उसकी ड्यूरेशन 2.33 सेकंड के लिए आएगी, तो आपको यहाँ पर 2.30 सेकंड या 33 सेकंड करना है। ओके, उसके बाद जितना म्यूज़िक है उसमें आपको फ़ोटो रखना है, अपना दूसरा फ़ोटो उतना ही रखना है जितना आपका म्यूज़िक है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। एंड लास्ट में ये डिफ़ॉल्ट क्लिप है वीएन का, तो इसको आप डिलीट कर लें, इसके ऊपर क्लिक करें, डिलीट कर लें। ओके, अब दोस्तों आपको दोनों फ़ोटोज़ में एफ़ेक्ट्स लगाना है। क्लिक करेंगे एफ़ेक्ट्स के ऊपर, यहाँ पर आपको फर्स्ट फोटो में व्हाइट वाला इफेक्ट यूज़ करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसको लगाना है आपको 0.40 सेकंड के लिए। इससे ज़्यादा नहीं लगाना, यहाँ पर आप लगाएंगे 0.40 सेकंड के लिए एंड यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। ओके, टिक करेंगे। अब आपका जो दूसरा फ़ोटो है इसके ऊपर इफेक्ट्स के ऊपर जाएंगे एंड इसमें आप लगाएंगे जीटा डाउन वाला एंड इसको फुल लगाना है। ओके, यानी कि 1.30 सेकंड के लिए एंड इसको टिक कर ले। बहुत सिंपल है, दोनों में कैसे कैसे इफेक्ट्स लगाना है वो आप समझ गए होंगे। एंड वीडियो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमें वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए आपको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। टिक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर सेव टू एल्बम के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस तरह से दोस्तों आपका वीडियो इजीली बन जाता है। तो दोस्तों इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।